एनटीडीसी ने 23 जनवरी को होने वाले ब्रेकडाउन की इब्तदाई रिपोर्ट तैयार कर ली। फ्रीक्वेंसी में उतार चढ़ाव के बारिश 500 केवी ट्रांसमिशन लाइन्स पर ट्रिपिंग हुई, जिससे एनटीडीसी और के इलेक्ट्रिक का सिस्टम बैठ गया। 11,356 मेगावाट बिजली सिस्टम से निकल गए। इस्लामाबाद की अदालत ने पीटीआई रहनुमा फवाद चौधरी का दो रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया। 27 जनवरी को दोबारा पेश करने का हुक्म। पीटीआई रहनुमा का पिम्स अस्पताल में तिब्बी मुआयना, डॉक्टर्स ने तंदुरुस्त करार दे दिया। फवाद चौधरी को थाना सीटीडी मुंतकिल कर दिया गया। क्या इलेक्शन कमीशन को मुंशी कहने पर जमहूरियत में किसी को पकड़ा जाता है? इमरान खान का सवाल। कहा, मौजूदा सेटअप मुल्क को तबाही की तरफ लेकर जा रहा है। जितनी जिंदगी है अपने मुल्क में गुजारूंगा, जेल से डरने वाला नहीं। कौम को अपने मुस्तकबिल के लिए फैसला करना होगा। सदर आरिफ अलवी की जमान पार्क लाहौर में इमरान खान से मुलाकात। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के गवर्नर्स की जानिब से इलेक्शन की तारीख न दिए जाने पर तशवीश का इजहार। चेयरमैन पीटीआई का परवेज इलाही को भी फोन। मौजूदा सियासी सूरतेहाल पर मुशावरत। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर और चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज वतन वापसी के लिए आज लंदन से रवाना होंगी। दुबई में एक रोज कयाम के बाद हफ्ते की शाम लाहौर पहुंचेंगी। मरियम नवाज के इस्तकबाल के नून लीग ने तैयारियां मुकम्मल कर ली। हर एमपीए और एमएनए 1,000 कारकुनान को लेकर एयरपोर्ट पहुंचेगा। शहर को इस्तकबालिया बैनर्स और पोस्टर से सजाने का आगाज भी हो गया। खैबर पख्तूनख्वा के निगरान वजीर आला आजम खान ने काबीना तश्कील दे दी। काबीना में 12 वुजरा और 3 मुशीर शामिल, आज हल्फ उठाएंगे। कराची में डीसी के एमआरडी के दफ्तर पर मुबैना हमले की सीसीटीवी फुटेज सामने आ गई। पीटीआई रहनुमा अली जैदी और कारकुनान दीवार फलांग कर जबरदस्ती डीसी ऑफिस में दाखिल हुए। भारत की यौम जमहूरिया पर कश्मीरियों का यौम सियाह। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस की अपील पर मकबूजा वादी में मुकम्मल हड़ताल। जलसे, जुलूस और एहतजाजी रैलियां निकाली जा रही हैं। कश्मीरियों ने घरों और दुकानों पर सियाह झंडे लहरा दिए। पाकिस्तान के इंटेलिजेंस इदारों ने भारत के फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का मंसूबा बेनकाब कर दिया। मोदी सरकार के नए ड्रामे का पूरा स्क्रिप्ट हासिल कर लिया। फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन एलओसी के पूंछ सेक्टर में प्लान किया गया। पाकिस्तानी इंटेलिजेंस इदारों ने भारतीय मंसूबे के 3 अहम किरदारों का भी पता चला लिया। ऑपरेशन में मस्जिद के करीब उस कार्रवाई को नाकाम बनाना दिखाया जाएगा। के बालाई इलाके सर्दी की लपेट में। गिलगित बल्तिस्तान, आजाद कश्मीर समेत दीगर मकामात पर बर्फबारी। इस्लामाबाद, लाहौर समेत दीगर शहरों में हल्की बारिश से मौसम मजीद सर्द हो गया। कराची में कम से कम दर्जे हरारत 9 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया।